हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ अर्नव। और यार आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के बारे में। अगर तुम्हें फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में इंटर्नशिप चाहिए तो उस चीज़ के बारे में बात होगी। आज हमारे साथ है साहिल रोहेरा, जिन्होंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में 3 इंटर्नशिप क्रैक करी, जिसमें से एक बहुत ही स्पेशल इंटर्नशिप थी, वो थी DRDO की इंटर्नशिप, और बाकी जो 2 इंटर्नशिप है वो भी पेड थी। ठीक है, तो यार ये इस वीडियो का Part 1 होने वाला है और Part 2 बहुत ही जल्द आ जाएगा चैनल पे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के विद साहिल का इंट्रो। सो हाय अर्नव, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस। सो मायसेल्फ साहिल रोहेरा एंड आई एम अ सेकंड ईयर अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट परसुइंग बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम MAIT। अपार्ट फ्रॉम इट आई एम अपकमिंग इंटर्न एट DRDO एंड द नेक्स्ट इंटर्न एट Cross Travel India. So that's all about me. Yeah, so great. So that's you talk about like your internship at DRDO. So like what is your whole journey from the first year till now in the matter of internship and all? Like how many internships did you did in your first year and in this 2 to 3 months of the second year? Like if you give a brief intro about it. So I started from my first year. I started with the learning different technologies. Like I first of all started with my web development. So I learned about HTML, CSS from scratch, then moved to JavaScript, then moved to React.js as the framework of React. So then I move on to the backend, becoming a full stack developer. So क्या हुआ उसमें, मेरे एक नोन में एक स्टूडियो था, इनिट स्टूडियो, तो वहाँ पे इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग बेसिस पे था, देन दे मूव टू ट्रेनिंग, मूव टू इंटर्न्स। तो पहले मैंने अनपेड बेसिस पे वहाँ पे काम किया, 3-4 महीने सीखा, लर्निंग्स करी अपने प्रोजेक्ट डेवलपर्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स के साथ। तो मुझे फिर इंटर्नशिप करने का मौका मिला, तो मैंने 4 से 6 महीने इंटर्नशिप करी वहाँ पे। तो ये थी, दिस वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप एट देम। फिर उसके बाद जब सेकंड इंटर्नशिप की बारी आई, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि मैं आई एम ईगर टू डू इंटर्नशिप फ्रॉम अलग अलग कंपनीज में, तो ऐसा नहीं था। मैंने कहीं अप्लाई भी नहीं किया था। सो देयर वाज अ हैकाथॉन इन देहरादून, तो वहाँ पे मी एंड माय 3 फ्रेंड्स बिल्ड अ टीम एंड वहाँ पे गए हैकाथॉन में। वहाँ पे हमने प्रोजेक्ट बनाया एंड लकीली Cross Travel वाज वन ऑफ द स्पॉन्सर्स इन देयर। सो उनका प्रोजेक्ट पसंद आया उनके जजेस को, तो उन्होंने हम मतलब ओवरऑल 50 टीम्स थी जो देहरादून में पार्टिसिपेट किया था जिन्होंने, तो उनमें से 3 टीम्स को सिलेक्ट किया उन्होंने फॉर द ऑफलाइन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। तो वहाँ से हमें मेरी सेकंड इंटर्नशिप मिली 3 मंथ्स की ऑफलाइन Cross Travel India में। ओके, तो ये था इंटर्नशिप। थर्ड में क्या था, जो DRDO की इंटर्नशिप है, इट इज बेसिकली टोटली बेस्ड अपॉन द योर रिज्यूमे। तुम्हारा रिज्यूमे जितना अच्छा है, तुम्हारा कितने अच्छे टेक पे तुमने काम कर रखा है, रिज्यूमे अगर तुम्हें रिक्रूटर को इंप्रेसिव लगेगा, शॉर्टलिस्ट होगा, जितने भी उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर तुम्हारे वो सारी फुलफिल हो रहे हैं, कंडीशन सारी फुलफिल है, तो फिर यू माइट बी सिलेक्टेड फॉर द DRDO इंटर्नशिप। सो दिस इज व्हाट माय 3 इंटर्नशिप जर्नी फ्रॉम ओके। सो लाइक टू टॉक अबाउट योर फर्स्ट इंटर्नशिप, वो मतलब इंसेप्टन स्टूडियो के बारे में, जहां पहले ट्रेनिंग करी और उसके बाद इंटर्नशिप, सेकंड वाज थ्रू हैकाथॉन, और जो थर्ड वाली थी DRDO, तो वहां अप्लाई कहां पे करा था, लाइक कोई मतलब उनका पोर्टल होता है, लाइक बेसिकली या पता कहां या तो है। तो बेसिकली जो हमारे सीनियर्स हैं, तो 2 सीनियर्स थे हमारे, प्रभाकर भैया और नीरजा दीदी, इन्होंने पिछले लास्ट ईयर अपनी इंटर्नशिप करी थी DRDO में। तो हमने इनसे गाइडेंस ली कि कैसे हम DRDO में करना है। तो ऐसा था कि DRDO के ना फॉर्म्स नहीं निकलते कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है, फॉर्म्स नहीं निकलेंगे, तो यू हैव टू गो इन फिजिकल मोड। आप फिजिकल मोड जाके, DRDO के दिल्ली में 8 लैब्स हैं टोटल, वहाँ पे आपको फिजिकली हर लैब में जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एनवलप में बनाकर वो सब सबमिट करने होते हैं। टू फेजेस में होते हैं, एक विंटर इंटर्नशिप, एक समर इंटर्नशिप। तो विंटर इंटर्नशिप अभी जो अभी अपॉर्चुनिटी चल रही हैं, लाइक अभी तो बंद हो गई क्योंकि दिसंबर टू जनवरी का 2 मंथ्स का इनका होता है विंटर्स में, फिर बाद में आएगा समर इंटर्नशिप जो जून जुलाई के आसपास होता है। ओके, तो इस टाइम में आप अपने एनवलप डाल के सबमिट कर दो, सारे HR के पास चले जाएंगे हर लैब के, फिर आपकी स्टार्ट होती है रिक्रूटमेंट। ओके, सो बेसिकली वो कब से लेके कब तक पोर्टल खुलता है कि हम तब से लेके तब तक अप्लाई कर सकते हैं किसी भी एनवलप को जो आप बता रहे हैं? लाइक हाँ,
पोर्टल में तो ऐसा कुछ है नहीं, जो उनकी साइट होती है वहां पे कोई मेंशन नहीं होता कि आप मतलब ऑफलाइन सेंटर पे ऑफलाइन सेंटर में ऐसा है, जैसे हमें पता है दिसंबर टू जनवरी की अपॉर्चुनिटी है, तो नवंबर के लास्ट वीक में या फिर सेकंड लास्ट वीक में आप चले जाओ वहाँ पे, पता कर लो एक बार कि कब हमें सबमिट करना है। तो वो तो मतलब बोल ही देते हैं कि जब नवंबर के मिड में आग लग जाता है ना टाइम, तो बोल देते हैं कि अब आप सबमिट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके फिर एक साथ वो एचआर डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। सेम फॉलो दैट इन जून एंड जून एंड जुलाई वाले जो सेशन होता है। सो जो तुम्हारी तीन इंटर्नशिप थी वो लाइक पेड थी सारी, क्रॉस नॉट वाली और डीआरडीओ वाली? In a studio वाली जो internship थी वो starting में unpaid थी, क्योंकि I was in training mode. तो जो उसके बाद जब internship मेरे start हुई मेरी, तो that was paid. Cross Tower में काफी मतलब अच्छा था उनका scale, वो भी paid थी and plus में traveling allowances भी थे वहाँ पे. Okay. तो ये था। और DRDO में क्या होता है, DRDO की जितनी भी internship होती है ना, वो internship कम training होती है, तो वो हमेशा unpaid ही होती है. Okay. तो it's like more of experience and learning. Apart from the pay, basically. Yeah. Okay. So like, अगर थोड़ा थोड़ा काम बता सको कि हर इंटर्नशिप में क्या क्या काम रहता था, कि मतलब फ्रंट एंड पे ज्यादा काम करा या फुल स्टैक पे करा या बैक एंड पे करा, और क्या क्या टेक स्टैक जो यूज करे हर इंटर्नशिप में बेसिकली अभी तक जो दो करी है। तो जैसे स्टार्टिंग में स्टूडियो में करी थी, तो वहां पे क्या था, स्टार्टिंग से तो हमने फ्रंट एंड से स्टार्ट किया सीखना कि कैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है, HTML, CSS, JavaScript, फिर React लाइब्रेरी यूज करी वहाँ पे हमने स्टार्ट किया करना। तो वहाँ पे वो करने के बाद फिर हम बैकएंड पे स्विच हुए। बैकएंड पे हमारे एक्चुअली में 3 to 5 की टीम थी जो ट्रेनिंग पे चल रही थी। तो हमने टीम में लर्न किया, अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से कुछ कुछ सीखा, यूट्यूब से मेन मोस्टली हमने यूट्यूब से सीखा एंड डॉक्यूमेंटेशन से। डॉक्यूमेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको रीड करना, ये बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स वगैरह जो भी होते हैं टेक्नोलॉजी पे वो डॉक्यूमेंटेशन से मिलेंगे तुम्हें। वीडियोस तो पुरानी हो जाएंगी, तो पुराना कंटेंट हो गया, डॉक्यूमेंटेशन अपडेटेड होते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन से यूट्यूब से सीखा, फिर हमने मिलके फ्रंट एंड बैक एंड अच्छे लेवल का बना लिया। तो हमें क्या दिया था वहाँ पे कि अब तुम्हारी टीम जो है तुम्हारी अच्छी हो चुकी है, तुमने सीख लिया, अब एक हम प्रोजेक्ट बना के दिखाओ ताकि उस बेसिस पे हम तुम्हें प्रमोट करें, एज ए इंटर्नशिप दें हमें तुम्हें। तो हमने तब एक प्रोजेक्ट बनाया था, ERP मॉडल था किसी कंपनी का मैनेज करने के लिए, कैसे तुम मैनेज करोगे, मैं अटेंडेंस, invoices, applications, submissions, task manager, पूरा मल्टी फीचर एक हमने ERP मॉडल डेवलप किया था हम सब ट्रेनीज ने मिलके। तो फिर उसके बाद वो प्रोजेक्ट अच्छा चला काफी, तो उसके बाद हमें इंटर्नशिप मिली हमें। तो वहां पे हमने एज अ फुल स्टैक डेवलपर मैंने काम किया 4-5 महीने की। मॉन्स्टैक? तो या मॉन्स्टैक, मॉन्स्टैक। तो ये हुआ। फिर उसके बाद जब हैकाथॉन में गए, हैकाथॉन में प्रोजेक्ट बनाया था मंच के ऊपर, तो वो काफी अच्छा लगा जजेस को, तो फिर उन्होंने इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दी। वहां पे जाके भी हमने फुल स्टैक पे काम किया काफी, हमने प्रोजेक्ट बनाए बैक एंड फ्रंट एंड, लाइक आई वाज लाइक द लीड ऑफ द टीम। ओके। छह जनों की टीम थी, 6 मेंबर्स की। तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला था कि तुम टीम को लीड करोगे, सब देखो फ्रंट एंड बैक एंड में क्या आ रहा है, क्योंकि आई वॉज द फुल स्टैक गाय दैट टाइम। तीन जने थे बैक एंड पे, तीन जने थे फ्रंट एंड पे। okay, तो मुझे बोला था कि पूरा देखना, तो फिर फ्रंट एंड भी करा, बैक एंड भी करा, वहां पे एज अ फुल स्टैक डेवलपर पूरा मैनेज करके उनको भी प्रोडक्ट डिलीवर किया 3 मंथ्स के अंदर। ओके। तो ऐसा था। अब DRDO में तो कल से ज्वाइनिंग है, तो उसके बाद देखते हैं क्या काम होगा, लेकिन बेसिकली वो मेनली रिसर्च बेस्ड है, तो ML डीप लर्निंग इस पे ज्यादा फोकस्ड होगा वो। ओके। सो एज यू टॉक लाइक क्रॉस नॉट में ऑफलाइन थी जो इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी, और मतलब ट्रैवल अलाउंस वगैरह वो सब देते थे, तो लाइक कॉलेज के साथ ही कैसे मैनेज होता था और क्या क्या आवर्स रहते थे और वीक में कितने डेज जाना होता था ये सब? तो ऐसा था, जैसे हमने बात करी है ना, जब HR का कॉल आया था हमारे पास उनसे क्रॉस ट्रैवल से, तो हमने पहले क्लियर कर रखा था कि हमारे कॉलेजेस भी हैं, एग्जाम्स वगैरह सब कुछ होंगे, तो वी नीड अ फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। तो उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स कहे थे कि ठीक है आप आओ, और हमारा हाइब्रिड मोड में था, 3 डेज जाना होता था, 2 डेज वर्क फ्रॉम होम था। तो 3 डेज हम गए, 2 डेज वर्क फ्रॉम होम किया, 5 डेज इन अ वीक। तो फिर उस हिसाब से 2 दिन वर्क फ्रॉम होम था, तो वर्क फ्रॉम होम में ज्यादा काम यूजुअली नहीं होता, तो फिर हम कॉलेज आ जाते थे, तो ज्यादा अटेंडेंस शॉर्ट हुआ नहीं। ओके। मतलब हो गया। और इनिट स्टूडियो वाली जो थी मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप, वो एज अ पार्ट टाइम थी, 3-4 घंटे
दिन में दिन रहता था, वो मैं कॉलेज के बाद कभी मैनेज कर लेता था, कभी सैटरडे संडे जाके मैनेज कर लिया, क्योंकि उस टाइम तो मुझे था कि मुझे लर्न करना है, तो लाइक आई वाज डिवोटिंग माय टाइम टू दैट मोस्टली. ओके, सो लाइक यू टॉक अबाउट यू, मतलब बेसिकली आपकी जो टेक स्टैक है वो मन स्टैक है फुल स्टैक में. तो मतलब कहाँ से सीखी थी कि कौन से रिसोर्सेज यूज करे, अगर फ्री हो गया तो यूट्यूब में कौन से आ गए, और अगर कोई पेड रिसोर्सेज यूज करा है तो फिर वो यूडेमी या फिर कोर्सेरा, कोई से भी कोर्स वगैरह जो यूज करे.